उबले आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने आलू उबाल लिए हैं और ये हमने लगभग 1.5 किलो आलू लिए हैं और आज हम ज़्यादा से सब्ज़ी बनाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी बना रहे हैं। तो आलू को हम छील लेंगे, जितने भी हमने आलू बॉईल किए थे इनको अच्छे से इसका छिलका हम हटा लेंगे। जब ये हमने उबाले थे तो इसको हमने धो लिया था और ये सारे आलू हमने छील कर रेडी कर लिए हैं और अब हम इनको काटेंगे। और इसको छौंकने के लिए हमने प्याज ले लिया है, हमने 2 बड़े प्याज लिए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्ची हमने ले ली है, इनका डंठल हम हटा देंगे और ये जो मिर्ची है इसको हम बीज से फाड़ देंगे। इसको हम छोटा छोटा कट करके नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये सब्ज़ी बच्चे भी खाएंगे, तो इसलिए बच्चों के मुँह में मिर्ची ना आए इसलिए हम इसको फाड़ कर ऐसे समूची ही डालने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिर्ची हमने फाड़ ली है और अब हम इसका तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमें सूखी मिर्ची की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सूखी मिर्ची भी हम ले लेंगे 4 से 5। ये हरी मिर्ची हमारी कट कर रेडी है और इसके हम छोटे छोटे से पीस बनाएंगे। आप चाहें तो आलू के गोल पीस बना सकती हैं, आप चाहें तो इसके लंबे पीस भी बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर चौकोर पीस काटेंगे। छोटे छोटे से हम इसके टुकड़े बना लेंगे और बनाने के बाद हम इसको जीरा और लाल मिर्ची से छौंकने वाले हैं। तो ये हमारे सारे आलू कटकर तैयार हो चुके हैं, अब हम सब्जी छौंकेंगे। तो सब्जी छौंकने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ते की कढ़ाई में इस सब्जी को बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड में भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डाल देंगे और 4 से 5 हम लाल सूखी मिर्ची डालेंगे और इसी में हम कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। जब ये मिर्ची हमारी अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और कटे हुए प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। दोस्तों इस तरह से अगर आप आलू की सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। बच्चे हों या बड़े हों सभी को ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। इसी में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सा हाथ से हम इसको रगड़ देंगे। रगड़ने के बाद हम कसूरी मेथी भी इसी तेल में डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। ये जो हमारा तरीका है बिल्कुल सरल है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी भी बनकर आपकी तैयार होगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और यहाँ पर हम मिर्ची भी डालेंगे अपने स्वादानुसार। सबसे पहले हम हल्दी को अच्छे से पका लेंगे। कटा हुआ टमाटर भी हमें डालना है इसमें, तो 2 टमाटर हमने ले लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में हम इनको काटेंगे। बहुत छोटे टुकड़े हमको नहीं करने हैं, थोड़ा सा बड़े टुकड़े हमने किए हैं। लंबी पीस में हमने टमाटर को काट लिया है और इसी के साथ में हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं बहुत जल्दी से गल जाएं। तो यहाँ पर हम 1.5 चम्मच के करीब नमक डालेंगे क्योंकि आलू हमारे ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे और अब ये टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएंगे। तो टमाटर हमारे पक चुके हैं और अब हम इसी में डाल देंगे आलू। आलू डालकर हम इसको चलाएंगे, तो ज़्यादा हमें आलू नहीं चलाने हैं क्योंकि हमारे आलू बहुत अच्छे से उबले हुए हैं, थोड़ा ज़्यादा उबल गए थे तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे। पहले हम मसाले इसमें डालेंगे और उसके बाद ही हम इसको ज़्यादा चलाएंगे, नहीं तो ये हमारे आलू जो हैं पूरी तरह से फट जाएंगे और ये बिल्कुल भरते की तरह हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मसाले डालेंगे और उसी के साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे। ये हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर डालेंगे मसाला, जो सूखी सब्जी का मसाला होता है वही हम डालेंगे। अगर सूखे सब्जी मसाले की रेसिपी आपको नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों 1 चम्मच यहाँ पर हम लाल मिर्ची डाल देंगे और यहाँ पर 1/2 चम्मच हम डालेंगे आमचूर पाउडर और डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसी तरह से आप सारे मसाले मिक्स कर दीजिए और इसको अच्छे से चला दीजिए। ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है। वैसे ये उबले आलू हैं और इसको पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद हम इस पर 1 मिनट के लिए ढक्कन ज़रूर लगाएंगे ताकि ये जो हमारा नमक है और
जो हमारे मसाले हैं वो थोड़ा सा भाप में अच्छे से पक जाएं, नमक हमारा गल सके, तो इसलिए हमको इस पर ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसको हमने पूरी तरह से चला दिया है, अच्छे से इसको हमने चला दिया। अगर कटा हुआ हरा धनिया आपके पास है तो हरा धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए। बस ढक्कन हम लगाएंगे और एक मिनट के बाद हम ढक्कन को फिर से हटा लेते हैं। और हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, आलू की सूखी सब्ज़ी। इसी तरह से आप बनाइए, एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। और इसको हम गैस से नीचे उतारेंगे और हम दूसरे बर्तन में इस सब्ज़ी को रख लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर इस सब्ज़ी में आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, जितना कि ये देखने में आपको टेस्टी लग रही है। तो रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस तरह से एक बार आप भी आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना।